SC ST एक्ट में संशोधन की मांग को लेकर भारत बंद का आह्वान किया था, जो पूरी तरह सफल रहा। ये भारत बंद का आह्वान सपाक्स ने किया था। इंदौर में बंद के दौरान बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इंदौर में हरसिद्धि क्षेत्र में सपाक्स समाज का बैनर लिए लोगों ने एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन का विरोध किया। इसके साथ ही ये शिक्षा में आरक्षण बंद करने के साथ ही इसमें सुधार करने की तख्तियां लिए हुए थे। लोग रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां कलेक्टर निशांत वरवड़े को ज्ञापन सौंपा गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरे दिन अलर्ट रहा। शहर भर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर रखा था। इधर इंदौर जिले की सभी तहसीलों में बंद का असर रहा। बताया जा रहा है कि बंद के दौरान सांसद सुमित्रा महाजन के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टियों का विरोध करते हैं और आने वाले चुनाव में हम लोग नोटा का बटन दबाएंगे यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया। नोटा पे हम लोग बटन दबा के अपना विरोध व्यक्त करेंगे। हमारा अनुरोध है, हमारी ये विनती है कि सवर्ण समाज को इतने समय से, काफ़ी समय से जो उसका पिछड़ापन किया जा रहा है, उसे इग्नोर किया जा रहा है, हमें इग्नोर मत करो। कितने संगठन आज शामिल हुए हैं इसमें? हमारे संगठन में राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी, और सारे स्वर्ण संगठनों का, 40 से ज़्यादा संगठनों का हमको सहयोग मिल रहा है यहाँ पर, और उसी का विरोध प्रदर्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं। और सरकार ने अगर जल्द ये हमारी मांगे पूरी नहीं करी, उन्हें इस धंधे कानून को अगर नहीं हटाया, तो बड़े से बड़ा विरोध आने वाले समय में हम लोग करने वाले। आज हमारे द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और इस प्रदर्शन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा, राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन कलेक्टर साहब को दिया जाएगा। और हम लोग मांग करेंगे कि जो यह विधेयक लाए हैं लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, उस विधेयक को वापस लें और सवर्ण समाज के साथ भी अन्याय न करें। हमारे पुलिस के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी से हम सब पहले से बातचीत करते हैं, वो भी आंदोलन होते हैं। आज भी ये जो मूवमेंट है, इसमें इनके द्वारा आज को आप ज्ञापन ज्ञापन कलेक्टर महोदय के माध्यम से पुलिस अदालत में भेजा जाएगा। और हमारे जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं, पुलिस अधिकारी पूरे शहर में अपनी व्यवस्था को चार चौबन तरीके से लगाए हुए हैं और हमारी पूरी निगरानी है, जिससे कि इंदौर शहर में जो माहौल है वो तरीके